नमस्कार, मैं हूं देवांजलि बोइत्रा। अभी कुछ दिनों पहले ई कॉमर्स के बाजार को लेकर दो बड़ी कंपनियों में टकराव देखने को मिला था, जो रिटेल क्षेत्र की नामी कंपनी बिग बाजार को खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखा रही थी। लेकिन बाजी मुकेश अंबानी के हाथ लगी और हार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़े दौलतमंद शख्स जेफ बेजोस की हुई। लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो मुकेश अंबानी को अकड़ कम करके रखनी चाहिए, क्योंकि बेजोस की हार नहीं हुई, भारतीय होने का फायदा मिला मुकेश अंबानी को। लेकिन अब एक बार फिर दुनिया के दूसरे दौलतमंद आदमी एलन मस्क और भारत के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी मुकेश अंबानी के बीच टकराव शुरू हो चुका। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पॉड टैक्सियों को विकसित करने वाली एक अमेरिकी परिवहन कंपनी का अधिग्रहण किया, जो कि सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स के माध्यम से 3 साल पहले शुरू हुई। ये तो आप जानते हैं कि स्काईट्रॉन और मस्क के हाइपरलूप दोनों पॉड टैक्सी बनाने के व्यवसाय में, जिसे रैपिड ट्रांजिट PRT भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की छोटी सार्वजनिक परिवहन सुविधा होती है, जिसमें छोटे स्वचालित वाहन होते हैं जो विशेष रूप से निर्मित पटरियों के नेटवर्क के भीतर काम करते हैं। हाइपरलूप और स्काईट्रॉन टैक्सी रफ्तार पर घूमने के लिए मैग्नेट की शक्ति का उपयोग करते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। जानकारों की माने तो हाइपरलूप पहले से भारत के भीतर कार्यों में 3 परियोजनाएं, एक मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला, दूसरा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए संपर्क बढ़ाने और तीसरा चंडीगढ़ को भारत की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने के लिए नवीनतम प्रयास। स्काईट्रॉन ने व्यक्तिगत परिवहन प्रणालियों को लागू करने के उद्देश्य से सफलता निष्क्रिय मैग्नेटिक लेविटेशन और प्रोपल्शन टेक्निक विकसित की, लेकिन यहीं पर टकराव की स्थिति बनाई, क्योंकि अंबानी की घोषणा के दिनों के भीतर आता है कि वो टेस्ला के मस्क योजनाओं के साथ तेजी से आगे बढ़ने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाएंगे। हालांकि टेस्ला वास्तविक कारों से राजस्व का अपना लायंसर बनाता, मस्क ने बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण में निवेश किया और यहीं पर टकराव हो सकती। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन यहां पर जानकारी देते चलें कि भारत में फोर्ड टैक्सियों को पेश करने का विचार 2016 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। उसके एक साल बाद 2017 में भारत सरकार की नीति आयोग के नेतृत्व वाले एक पैनल ने फली टैक्सियों का उपयोग करने के लिए मंजूरी दे दी। अल्ट्रा ग्लोबल रबर टायर का उपयोग करता है, जो विशेष रूप से बनाए गए ट्रैक पर चलते और मेट्रिनो के पॉड्स को ओवरहेड रेल से निलंबित कर दिया जाता है। 3 में से स्काईट्रॉन एकमात्र है जो पॉड टैक्सियों को बिंदु से बिंदु तक ले जाने के लिए चुंबकीय उत्तोलन का उपयोग करता है, जिसे ये भारत में हाइपरलूप की उम्मीदों का एकमात्र प्रतियोगी। तो आप आसानी से समझ सकते हैं क्या होने वाला है और क्यों टकराव होगा।